दोस्तों, स्मार्टफोन को लेके बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत सारे मिथ चलते आ रहे हैं और आप में से बहुत सारे यूज़र ऐसे भी हैं जो इन्हीं मिथ्स को सच मानकर अपना मोबाइल आज तक यूज़ करते आ रहे हैं। दोस्तों, इससे हमारे स्मार्टफोन को तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन हमारा यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं उन सारे मिथ्स को आपके सामने क्लियर कर दूंगा, जिससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेहतर हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए श्रीगणेश करते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन्स को लेकर जो सबसे पहला मिथ आता है वो न्यू मोबाइल के साथ आता है। बहुत सारे लोगों ने ये मिथ फैला रखा है कि जब आप नया मोबाइल परचेस करते हैं तो पहली बार उसकी बैटरी को आपको फुल चार्ज करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ ही और एक मिथ यह आता है कि स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको मोबाइल तभी चार्ज करना चाहिए जब आपकी बैटरी 10% से कम हो। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है इसमें कुछ भी। आपके मोबाइल आजकल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, इसलिए उनको स्मार्टफोन कहते हैं। तो आप उनको चाहे 10% में यूज़ करें, चाहे 20% में चार्ज लगाएं, चाहे 30% में लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। दोस्तों, स्मार्टफोन्स को लेकर जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ आता है वो भी आपने सुना होगा कि बहुत लोग आपको बोलते होंगे कि आपको आपके मोबाइल को ओवरनाइट चार्ज लगा के नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी में और एक मिथ मैं ऐड कर देता हूँ कि लोग बोलते होंगे कि आपको मोबाइल चार्जिंग करते टाइम गेमिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, देखिए, पहले ज़माने की बात अलग थी जब मोबाइल स्टार्टिंग में नए नए आए थे। आजकल आपके मोबाइल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप रात भर भी मोबाइल को चार्ज लगा के छोड़ देते हैं तो उससे आपके मोबाइल की बैटरी लाइफ या परफॉर्मेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही आपके मोबाइल को कोई नुकसान होने वाला है। दोस्तों, देखिए, जब आप बैटरी चार्ज कर लेते हैं आपका मोबाइल ऑटोमेटिक ही बैटरी फुल होने के बाद उसमें जो है एनर्जी ट्रांसफर करना बंद कर देता है, करंट ट्रांसफर करना बंद कर देता है, तो आपके मोबाइल जो है ओवर चार्ज नहीं होती है उससे। और बात रही गेमिंग की, तो दोस्तों, जब आप गेमिंग करते हैं तो आपके मोबाइल वैसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। देखिए, उनको टेम्परेचर मेंटेन करना आता है। आजकल तो वैसे भी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी आ गई है। आपका मोबाइल अगर वार्म होने लगता है, हीट होने लगता है, तो वो ऑटोमेटिक उसको कूल कर देता है। तो आप अगर मोबाइल ओरिजिनल चार्जर के साथ अगर चार्जिंग करके गेमिंग करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बशर्ते दोस्तों आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपके रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तब आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर में आपका मोबाइल खुद ही स्मार्टली उसको हैंडल कर लेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सेम तरीके से जैसे मैंने बोला, अगर आप ओरिजिनल चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ओवरनाइट चार्ज लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मोबाइल को कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे सबसे बड़े मिथ की। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा मिथ है कि आपके मोबाइल में जो बैकग्राउंड ऐप्स होती हैं, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आपके मोबाइल की बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड ऐप्स को किल कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, ये भी चीज़ें एक बहुत बड़ा मिथ है। दोस्तों, देखिए, जो बैकग्राउंड में ऐप्स पड़ी रहती है वो कैश मेमोरी में या आपकी रैम में सेव रहती हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप उन ऐप्स को यूज़ करें तो वो बहुत जल्दी से आपके सामने ओपन हो जाए। तो अगर आप उनको किल कर देते हैं, उन ऐप्स को बंद कर देते हैं, बैकग्राउंड ऐप्स को, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उन ऐप्स को ओपन करते हैं तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है आपके मोबाइल की, ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है और आपके जो है सीपीयू पर भी ज़्यादा असर पड़ता है। तो बैकग्राउंड ऐप को बंद करने से आपकी बैटरी सेव होती है, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे बड़े मिथ की। दोस्तों, वो मिथ ये है कि आपके मोबाइल की जो रेडिएशन है वो आपकी बॉडी को हार्म करती है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। दोस्तों, हम जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है उस पर काम करता है, जैसे रेडियो में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं तो वो भी हमें हार्म नहीं करती है। दोस्तों, स्मार्टफोन को बनाया ही इस तरह से जाता है कि वो एक सेफ लिमिट में रहे। तो मोबाइल की जो रेडिएशन होती है वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ होती है। आपने मोबाइल में सार वैल्यू का नाम सुना होगा, वो आपके हेड के लिए अलग होती है, बॉडी के लिए अलग होती है। तो उसकी एक लिमिट जो है तैयार की गई है, इंडियन गवर्नमेंट ने बताया गया है कि इस लिमिट के अंदर ही सार वैल्यू होनी चाहिए। तो स्मार्टफोन जो है उसी के अंदर रहकर ही बनाए जाते हैं, उसी लिमिट को फॉलो करके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है मोबाइल की रेडिएशन से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये बिल्कुल सेफ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ था कि मोबाइल की रेडिएशन जो है वो आपके शरीर को ख़राब करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं पाँचवें सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट मिथ की, जो आज आप उसको सच मानते हैं आज के टाइम में भी, वो है दोस्तों ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा होना तो ज़्यादा इमेज क्वालिटी बेहतर होना। दोस्तों, ये कुछ कुछ चीज़ों में ठीक है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। दोस्तों, आप ज़्यादा मेगापिक्सल जो है कैमरा लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें डिटेलिंग आपको थोड़ी अच्छी मिल जाती है, यानी जब आप पिक्चर को जूम करेंगे तो पिक्चर फटेगी नहीं, उसके अंदर जो है डिटेल काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई जो है मेगापिक्सल कैमरा जो है लो मेगापिक्सल कैमरे से ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींच सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा आईफोन्स वगैरह में या किसी किसी अच्छे मोबाइल में
12 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल इतने ही कैमरे रहते हैं, लेकिन वो 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल कैमरे को बीट कर देता है। दोस्तों एक कैमरे में जो पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है, फॉर एग्जांपल उसका अपर्चर अच्छा होना चाहिए या लेंस का साइज़ जो है वो डिपेंड करता है, इमेज प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आईफोन वगैरह में जो है उन स्मार्टफोन्स में, एप्पल स्मार्टफोन्स में इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, चाहे वो हार्डवेयर के यूज़ में हो या सॉफ्टवेयर के यूज़ में हो, तो इमेज प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपका मेगापिक्सल भी ठीक है काम में आता है, आपका अपर्चर भी काम में आता है, लेंस साइज़ भी काम में आता है, लेकिन दोस्तों अगर आपका सॉफ्टवेयर ही ढंग से काम नहीं कर रहा है, इमेज प्रोसेसिंग ही अच्छी नहीं है, तो आपकी पिक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ज़्यादा मेगापिक्सल होने से आपकी पिक्चर अच्छी आएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब स्मार्टफोन खरीदते हैं तो नंबर्स पर ध्यान मत दीजिए। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं, बहुत बहुत यूट्यूबर ने जो है उनके रिव्यू दिए होते हैं, कैमरा रिव्यू किए होते हैं, तो उनको आप प्रॉपरली देखिए, 5-7 वीडियो देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि स्मार्टफोन का कैमरा बेहतर है, उसी के बाद आप मोबाइल परचेज़ कीजिए। सिर्फ नंबर्स पर मत जाइएगा कि इसकी रैम ज़्यादा है, इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, या इसके जो है कैमरे के पिक्सल बहुत ज़्यादा, उस पर बिल्कुल मत जाइए। आप स्मार्टली मोबाइल को परचेज़ कीजिए, यूट्यूब वीडियो देखिए, रिव्यू देखिए, और जिसका बेहतर मेगापिक्सल हो, इमेज प्रोसेसिंग अच्छी हो, उसी की जो है आप मोबाइल परचेज़ कीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या झूठ है क्या सही है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा आपके सामने। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए बेल आइकन के साथ। अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।